तो दुर्गा जी तो भगवान विष्णु के मस्तक से प्रकट हुई और शिव जी भी ब्रह्मा जी के मस्तक से प्रकट हुए, है ना। लेकिन अल्टीमेटली शिव जी विष्णु से ही आए, ठीक है, वो अलग कथा है, ब्रह्म विभूति पुराण में कथा आती है। तो यहाँ पर शिव जी कह रहे हैं, वैष्णव मेरे प्राण है, प्राण के समान है, अतः मैं उनकी रक्षा के लिए त्रिशूल धारण करता हूँ। इसमें कुछ अन्यथा कारण नहीं है, कोई दूसरा कारण है ही नहीं, ये शिव जी कह रहे हैं। और कोई विजन नहीं हो सकता है, सिर्फ मेरा त्रिशूल धारण करने का एकमात्र जो पर्पज है, ठीक है ना, जो मकसद है वो वैष्णव की रक्षा करना। अब वैष्णव कौन होता है? जो हरि के नाम का उच्चारण करता है, जो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करे कलयुग का युग धर्म के अनुसार, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जप करे, हरि कथा का श्रवण करे, भागवत का श्रवण करे, ठीक है ना, ये शिव जी के प्राण है, वो शिव जी का आशीर्वाद असली महा है। और शिव जी ऐसे भक्त की रक्षा करते हैं, ये शिव जी बता रहे हैं। अन्यथाओं के कारण नहीं है, जो हरि भक्तों से द्वेष रखते हैं, जो नफरत करते हैं हरि भक्तों से, अब शिव जी के जो उपासक होते हैं वो क्या करते हैं, अरे नहीं नहीं हरे कृष्णा वाला है, ये तो शिव जी को मानता ही नहीं है कि नहीं, ऐसा बोलते हैं। तो आप देखिए द्वेष करते हैं, लेकिन शिव जी यहाँ पे खुद बोल रहे हैं, जो हरि भक्तों से द्वेष करे उनके लिए मैं त्रिशूल रखता हूँ। ये फंक्शन को समझना, जो हरि भक्तों से द्वेष रखते हैं, हसद करते हैं, नफरत करते हैं, हाँ, उन्हीं को दंड देने के लिए मैं त्रिशूल धारण करता हूँ। हरि बोल, ये शिव जी ने इसलिए त्रिशूल धारण किया। हे सुव्रते, यानी कौन सुव्रते, पार्वती देवी को कह रहे हैं, ठीक है,